हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायरिंग कैसे करते हैं, वो भी फ्रैक्शंस में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, आप सबका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर्स, और वो भी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, लेकिन इसके ट्रिक को जानने के लिए आपको इसकी वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायरिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो ट्रिक को अच्छा से पहले समझिए, फिर हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये है 302 और जिसका है स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, दो बॉक्स, फिर से दो बॉक्स, फिर से दो बॉक्स, ये आपको इतने बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। अब जैसा बोलते हैं बस वैसे करना है। करना चाहिए ये जो टू आप देख रहे हैं ना, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। यहां 4 लिखिए। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे आप जोड़ दीजिए, हो गया। अब आगे क्या करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने हो गए, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12, पूरा कुछ लिख दी। अब 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 9, यहां पे 0 लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया, 9 1 2 0 4, 9 1 2 0 4, ठीक है। क्या किया हम लोग, ये जो नंबर दिया हुआ था ना उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एक और इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि आखिर ये चीज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, क्योंकि जनरली इसी तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन हम लोग इसको ट्रिक के साथ किए। और ये 6 हो गया, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 0, 6 हो गया, 0 हो गया, ये 9 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया। तो यहां पे 1 भी होगा ना, गड़बड़, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या बताया ट्रिक में, क्या बताया आपको इस क्वेश्चन से तो पता नहीं चला होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं लोग, 207 और इसका स्क्वायर है। देखिए आपको बताया क्या कि आप दो बॉक्स बनाइए, फिर दो बॉक्स बनाइए, और फिर दो बॉक्स बनाइए। 7 का स्क्वायर लिख दीजिए यहां पे, 49, 7 2 14 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 28 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो ये हो गया आपका स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर। कितना लिखेंगे हम लोग यहां पे, 4 2 8 4 9, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 506 का स्क्वायर क्या होगा, यहां पे 2 बॉक्स, यहां भी 2 बॉक्स, और यहां भी 2 बॉक्स, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 36, 6 5 30 32 60 लिख दीजिए यहां पे, 5 का स्क्वायर 25, मीन्स
कितना हो गया 256036। आप लोग आ रहे समझ में कैसे 3 वाले नंबर का स्क्वायरिंग हम लोग बराबर कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग बॉक्स बनाते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 9 7 63 से मल्टीप्लाई करेंगे 126। तो देखिए बोलते हैं दो ही बॉक्स में लिखना है, मतलब दो डिजिट को एक साथ लिखना है, तो ये जो 1 बच गया ना इसको हम बाद में लिख देंगे। 7 का स्क्वायर 49 और 150, तो ये हो गया 5 0 2 6 8 1। ठीक है, अब आते हैं 909, इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर 81, देखिए 9 9 81 और 81 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 81 को 2 के साथ करेंगे तो 2 2 2 8 16, ये 1 बाद में ऐड कर देंगे, 9 9 81 और 1 हो जाएगा 82। मींस इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 8 2 6 2 8 1। तो अभी तक जो आप नंबर देखे ना उसमें देखिएगा एक जीरो आया था, दो डिजिट के बीच में एक जीरो भी रह रहा था, यहां पर क्या था जीरो था। अब हम लोग क्या है कि जीरो ने वहां पर कोई डिजिट को रखेंगे, उस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह से स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे कि 124, इसको हटाते हैं तो दूसरा नंबर लेते हैं 116। ठीक है, इसका स्क्वायर लेते हैं तो वही रूल चलेगा जैसा अभी बताया था आपको, दो बॉक्स फिर से दो बॉक्स फिर से दो बॉक्स। तो ये दो डिजिट को आप सिंगल मान लीजिए, मतलब 16 एक साथ, तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये तो है नंबर लेकिन 16 का स्क्वायर 256 होता है, कितना होता है 256, तो ये 56 यहां पर लिख दीजिए और ये 2 यहां पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो 16 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 16 2 32 32 2 34 हो गया, लिख दिया हम। अब 1 का स्क्वायर 1, तो अब 0 1 लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो 116 का स्क्वायर हो जाएगा 1 3 4 5 6। सिंपल, कोई दूसरा नंबर लेते हैं 512 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 12 का स्क्वायर कीजिए तो 12 का स्क्वायर होता है 144, आप 44 को लिखिए, हो गया, क्या ले रहा 1। अब करना क्या है कि 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 12 5 और 2 मल्टीप्लाई करना, तो ऐसे 12 5 60 2 120 120 हो गया और 121, तो आपको 21 यहां पर लिखना है, 21 यहां पर लिखना है, 1 कैरी रह गया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, तो आप फटाफट मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, आपको पेन पेपर का भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन का स्क्वायर निकालने के लिए। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं 713। बताइए थे कि 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर आप विद इन सेकेंड्स बना सकते हैं, विद इन सेकेंड्स। 13 का स्क्वायर हो गया 169, लिख दीजिए आप 69,
वन कैरी कर गया, 13 इंटू 7 इंटू 2 91, 2 182 और एक 183 हो जाएगा, 83 यहां लिख दीजिए, 1 कैरी रह गया, 7 का स्क्वायर 49 और 1 हो गया 50। एक और लेते हैं 900 एंड 15 का स्क्वायर क्या होगा। तो बच्चों आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने के लिए और फटाफट देखिए कि कितने जल्दी आप बना सकते हैं। जी हाँ आप लोग कोशिश कीजिए फिर देखते हैं क्या हो सकता है। तो आई थिंक आप लोग अभी तक निकाल लिए होंगे इसका आंसर। चलिए कैसे ये सही हो सकता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 तो 25 को लिखिए, 25 को लिखिए, ये कैरी रहेगा। अब करना क्या है कि 9 इंटू 15 इंटू 2 ठीक है, तो 15 29 27 270 और यहां पे 2 था तो 272 हो गया। इस 72 को यहां पे लिखना है आपको, 2 कैरी बचेगा ठीक है। अब 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 2 83, तो ये था स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद इन सेकेंड्स। आई थिंक आप इसको अब सॉल्व कर पा रहे होंगे यदि आप इस वीडियो को ठीक से देख लिए हैं और समझ में आ गए हो तो ये बच्चों आप बताएंगे जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, आप लोग आराम से अपना पढ़ते रहिए और इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।